दिल्ली में चंद्रशेखर की फौज ने उड़ा दिया गर्दा, चंद्रशेखर तो पूरी तरह से छा गए। इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर आजाद ने दिखाई अपनी सियासी ताकत। स्टेडियम के अंदर खचाखच भरे लोग, स्टेडियम के बाहर भी उतनी ही भीड़ कि बाहर से बैठ करके लोगों को सुनना पड़ा भाषण। चंद्रशेखर आजाद के एक बुलावे पर आई भीड़ बता रही है चंद्रशेखर ने अपनी मेहनत और विश्वास से अपने कद को राजनीति में कितना बड़ा कर दिया है। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। वाकई इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के दिल में काबिज हो चुके हैं। चंद्रशेखर के एक बुलावे पर जिस तरीके से चंद्रशेखर की फौज उमड़ी, कहने वाले तो कह रहे हैं चंद्रशेखर ने तो गर्दा गर्दा कर दिया। चंद्रशेखर तो छा गए, उनकी राजनीति से बहुजनों का दिल गदगद हो गया। बहुत दिनों से बहुजन समाज को एक ऐसे नेता की दरकार थी जो खुलकर उनकी बात रख सके, दलित समाज के हितों से जो किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार ना हो। ऐसे नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की ग्रैंड एंट्री को देखकर तो विरोधियों को तो दिन में तारे नजर आने लगे। दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने रैली निकाली, जहां चंद्रशेखर ने खुले तौर पर कह दिया जब तक जातिगत भेदभाव है आरक्षण रहना चाहिए, ये सरकार पीछे से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद का आह्वान हो और मैदान छोटा न पड़े ऐसा नामुमकिन है। इस वीडियो से आप भीड़ का अनुमान लगा लें, स्टेडियम के अंदर और बाहर लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं है। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर समर समाज हिल जाएगा। आइए सुनते हैं चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWF लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल था उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला 10% EWS के रूप में हुआ और हमारे पूर्व के दलों ने उस वक्त उसका साथ दिया। अगर उसी दिन हमने सड़कों पर आकर इसका विरोध किया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था जो दोबारा आरक्षण पर हमले के बारे में सोच लेता। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद के गुलाबे पर जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसने संकेत दे दिया चंद्रशेखर की राजनीति उन्हें कबूल है।